नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिवोटेड लर्नर पर। डिवोटेड लर्नर पर ये जो श्रृंखला चल रही है, इस श्रृंखला का आज दूसरा दिन है। उम्मीद है कि इसके पहले की वीडियो आप लोगों ने देख ली होगी, पसंद भी की हो। मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी कि आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें आज हमारी जो चर्चा है वह 1780 से लेकर 1793 के बीच में, यानी कि 1780 टू 1793 के बीच की जो घटनाएं हैं, उन सारी घटनाओं में हम आपके साथ चर्चा करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आगामी जो भी परीक्षाएं हैं, उन परीक्षाओं में आपको अधिक से अधिक इन्हीं टॉपिक से प्रश्न देखने को मिले। तो चलिए करते हैं आज की यात्रा की शुरुआत। तो कॉपी पेन अपने साथ रख लीजिए और विश्वास के साथ लग जाइए। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब किया है क्या? नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो चलिए करते हैं यात्रा की शुरुआत। दोस्तों, यात्रा की आज हम शुरुआत करेंगे और आज हम बात करेंगे 1780 13 नवंबर की घटना और पंजाब के से हम इसकी शुरुआत करेंगे और क्षेत्रीय राज्यों पे हम बात करेंगे। क्षेत्रीय राज्य पंजाब और मैसूर पर आज हमारी चर्चा जो होगी। पंजाब की बात करें दोस्तों, तो पंजाब में रणजीत सिंह, जो कि आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं, रणजीत सिंह के जन्म के बारे में बात करें तो 13 नवंबर 1780 को सूकर चकिया मिसल के मुखिया महा सिंह के घर जो है इनका जन्म हुआ। अमृतसर, महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के मध्य में अमृतसर की संधि हुई थी। तिथि थी 25 अप्रैल 1809। चिनाब नदी में गिरी जमान शाह की तोपों को निकलवार कर वापस जमान शाह के पास भेज दिया गया था। एक प्रश्न ये बन सकता है कि किस नदी में जमान शाह की तोप गिरी थी, तो चिनाब नदी में गिरी थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो लाहौर पर रणजीत सिंह को अधिकार करने की जो अनुमति जो थी वो जमान शाह के द्वारा दी गई थी। 1799 ईस्वी में लाहौर पर जो अधिकार है वह किया गया, लाहौर राजधानी घोषित हुई और जमान शाह ने राजा की उपाधि दी और लाहौर को अपना सूबेदार माना। 1805 में भंगी मिसल से अमृतसर जो है वो छीना गया था। शाह सुजा ने रणजीत सिंह को कोहनूर को उपहार में दिया था। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो विक्टर जॉकमा, जो कि एक फ्रांसीसी पर्यटक था और इसने रणजीत सिंह की तुलना जो है वो नेपोलियन बोनापार्ट से की थी। फकीर अजीजुद्दीन, जो रणजीत सिंह का विदेश मंत्री था, इसके द्वारा एक कथन किया, कहा गया था, ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, तो पंजाब की जो राजनीतिक राजधानी थी वो थी लाहौर और इसकी धार्मिक राजधानी जो थी वो थी अमृतसर और दोनों पर जो है इनका अधिकार। पंजाब के क्रम में ही हम आगे चलते हैं दोस्तों, तो एक युद्ध जो है वो काफी फेमस युद्ध है, जो कि 13 जनवरी 1849 में लड़ा गया था, जिसको हम चिलियावाला युद्ध के नाम से जानते हैं। चिलियावाला युद्ध, जिसके बारे में मैंने कहा कि 13 जनवरी 1849 को लड़ा गया था। इसमें लॉर्ड गर्फ जो है वो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करता था और शेर सिंह जो है वो सिख सेना का नेतृत्व करता था। इसके परिणाम के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये युद्ध ऐसा था जिसमें अंग्रेजों को बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ और इसका परिणाम जो है वो डिक्लेयर नहीं हो पाया था, यानी कि इसका परिणाम अनिर्णित था। उस समय जो तत्कालीन गवर्नर था वो था लॉर्ड डलहौज। पंजाब के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो 1849 में जो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति हुई थी और पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर दिया गया था। पंजाब को जब ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया गया था तो 3 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया था और ये 3 परिषद सदस्यीय परिषद जो है इसका काम था पंजाब पर शासन करना। इसका गठन जो है वो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। इसके अध्यक्ष थे सर हेनरी लॉरेंस और इसमें जो सदस्य थे, 2 अन्य सदस्य, वो थे जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेनविले मॉनसेले। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम अंतिम शासक जो सिख साम्राज्य के थे दलीप सिंह, इनके बारे में बात करते हैं। दलीप सिंह, जिनका कार्यकाल 1843 से लेकर 1849 यानी कि 1843 से 1849 तक था और इन्होंने धर्म परिवर्तन किया था। ये सिख से ईसाई बने थे, ये रूस की यात्रा किए थे और इन्होंने अंग्रेजों से पेंशन लेकर ब्रिटेन की ओर पलायन कर दिया था। इनका निधन 1893 में पेरिस में हुआ था और इनकी अंत्येष्टि इंग्लैंड में की गई थी।
पंजाब के बाद क्षेत्रीय राज्य में जो दूसरा राज्य है जिस पर हम चर्चा करेंगे, जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, मैसूर, दक्षिण भारत का ये राज्य। और मैसूर में अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम मैसूर के प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की चर्चा करेंगे, जो कि 1767 से 1769 के बीच में हुआ था। हैदर अली बनाम अंग्रेजों के बीच ये युद्ध हुआ था और इसका विजेता जो था वो हैदर अली था। तत्कालीन गवर्नर के बारे में बात करें तो तत्कालीन अंग्रेज गवर्नर विरलष्ट था और इस युद्ध की समाप्ति मद्रास की संधि के द्वारा 4 अप्रैल 1769 को की गई थी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में बात करें दोस्तों तो इसकी समय अवधि 1780 से लेकर 1784 तक थी। हैदर अली जो है जुलाई 1780 में, ये जो युद्ध है ये आपको देखने को मिलेगा जुलाई 1780, हैदर अली का नाम आपको याद रखना है, कर्नाटक पर आक्रमण किया था और कर्नल बेली के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना को हराकर अर्काड पर अधिकार किया था। इसके अलावा अगर हम बात करें टीपू के तो पोलीलूर में दोस्तों हेक्टर मुनरो की सेना को परास्त किया गया था। 1781 ईस्वी में हैदर अली बनाम आयरकोट का युद्ध हुआ था और आयरकोट ने हैदर को हराया था और ये युद्ध पोर्टे नोवो, पोलीलूर और सोलंगोर में आपको देखने को मिलता है। 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई थी और 1784 ईस्वी में मंगलोर की संधि हुई, जो कि टीपू तथा अंग्रेजों के मध्य ये संधि की गई और इसी के साथ ही द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन हो गया। इसके बाद आता है दोस्तों समय तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध यानी कि थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर का, जिसका जो टाइम पीरियड था वो 1719 to 1792 यानी कि 1790 से 1792 था। और इस समय अगर हम बात करें तो कार्नावालिस मराठा और निजाम बनाम ये टीपू का युद्ध था और श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ ही इस युद्ध की समाप्ति हुई। टीपू का आधा राज्य अंग्रेजों तथा उनके साथियों को प्राप्त हो गया था। टीपू से 3 करोड़ रुपया युद्ध क्षति के रूप में वसूला गया था। मैंने कहा था कि श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ ही यह युद्ध समाप्त हो गया। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 मार्च के महीने में हुई थी, जिसमें टीपू सुल्तान तथा कार्नवालिस के मध्य ये युद्ध हुआ था और परिणाम ये हुआ कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 ईस्वी के बीच में समाप्त हो गया। इसके बाद समय आता है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का, जो कि 1799 हुआ था, लेकिन इसमें टीपू की मृत्यु हो गई थी। अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व करता था वो था वेलेजली और स्टुअर्ट। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे के सारे जो फैक्चुअल बातें हैं वो समझ में आ रही होंगी और अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर देखेंगे तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर में भी देखने को मिलेंगे। वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया तो कर दीजिए, शेयर अभी तक नहीं किया तो कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि अब आपको ज्योग्राफी की भी क्लासेस, साइंस की भी क्लासेस, इकोनॉमी की क्लासेस, सभी क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी इसी चैनल पर, डिवोटेड लर्नर्स पर। कुछ और भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिस पे हम बात करें तो टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया तथा यहीं पर जैकोबिन क्लब की स्थापना की। मैसूर विजय की खुशी में आयरलैंड के लॉर्ड समाज के द्वारा वेलेजली को प्रदत्त उपाधि दी गई थी मार्क्विस के द्वारा। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मैसूर की गद्दी पर पुनः अड्यार वंश के एक बालक कृष्णराज को बिठा दिया तथा कनारा, कोयम्बटूर और श्रीरंगपट्टनम को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। तो ये तो रहा दोस्तों पंजाब और मैसूर की कहानी। अब चलिए हम चलते हैं गवर्नर जनरल्स और वायसराय के बारे में बात करें। आपके स्क्रीन पर दोस्तों ये गवर्नर जनरल एंड वायसराय ऑफ इंडिया नजर आ रहे होंगे, इस पर हमारी चर्चा हो। गवर्नर जनरल वायसराय का ये पीरियड आपको 1774 से लेकर 1872 तक दिख रहा होगा, जिसमें सबसे ऊपर 1774 से 1785 जो है वो वॉरेन हेस्टिंग का काल था, 1786 से 1793 जो है वो लॉर्ड कार्नवालिस का काल था, 1798 से 1825 लॉर्ड वेलेजली का काल था, 1828 से 1835 लॉर्ड विलियम बेंटिंक का काल था, 1848 से 1856 लॉर्ड डलहौजी थे, 1856 से 1862 लॉर्ड कैनिंग थे और 1869 से 1872 लॉर्ड मायो थे। कुछ पॉइंट्स आपको याद करने हैं
वो आपको साइड में दिए हुए हैं, जैसे कि वॉरेन हेस्टिंग का जो पीरियड था इसमें फर्स्ट गवर्नर जनरल इन इंडिया था और ही वॉज द अपॉइंटेड एज द गवर्नर जनरल ऑफ फोर्ट विलियम बट ही एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिशियल ऑल ओवर इंडिया. He was impeached in England for his wrongdoings, namely the Rohilla War. Trial and execution of Nandakumar, case of Raja Chahet Singh and Begum of Awadh. Lord Cornwallis के समय बात करें तो क्या क्या याद करने लायक बात है. परमानेंट सेटलमेंट के बारे में बात की थी. एग्रीमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के लैंडलॉर्ड के साथ हुआ था फिक्स रेवेन्यू को लेकर, जो कि फिक्स रेवेन्यू को रेज करने की बात की गई थी. लॉर्ड वेलेजली का समय था, इन्होंने सब्सिडरी अलायंस को जो है इंट्रोड्यूस किया था जिसमें इंडियंस रूरल एग्रीड टू कीप ब्रिटिश फोर्सेस इन हिज टेरिटरी. द फर्स्ट स्टेट टू एक्सेप्ट द सब्सिडरी अलायंस वाज द स्टेट ऑफ हैदराबाद. लॉर्ड विलियम वेंटिंग, जिसका काल 1828 से 1835 था, फर्स्ट टू बी डेजिग्नेटेड एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन 1828, ही आउटलॉड द प्रैक्टिस ऑफ सती एंड ऑल्सो इंट्रोड्यूस इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया. लॉर्ड डलहौजी 1848 to 1856, he introduced the infamous doctrines of Labs. He also brought railways and telegraph to India. He is also known as the marker of modern India. Lord Canning, he was the Governor General during the mutiny of 1857. He was appointed the first Viceroy after the war. Lord Mayo, he was the Viceroy of India who was killed by A convict in the Andaman Island. The first census of India was conducted, यानी कि जो पहली जनसंख्या गणना की गई थी वो किसके काल में की गई थी, लॉर्ड मायो के द्वारा में की गई थी, ठीक है ना. तो गवर्नर जनरल वायसराय के बारे में कुछ और बातें, रियासतों के प्रति प्रमुख नीतियां. तो 1700 अगर 40 से 65 देखेंगे तो कंपनी की भारतीय रियासतों से समानता के लिए संघर्ष हो रहा था. 1765 से 1813 सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति, घेरे की नीति. 1813 से 1857 अधीनस्थ पार्थक की नीति. 1858 से 1935 अधीनस्थ संघ की नीति और 1935 से 1947 बराबर के संघ की नीति थी. वॉरेन हेस्टिंग्स के संबंध में बात करें दोस्तों, तो इसने बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति की और इसने राजकीय कोषकार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता शिफ्ट किया था. इसका जो विचार था दोस्तों वॉरेन हेस्टिंग्स का, यह समस्त भूमि शासक का था. इसने परीक्षण और अशुद्धि में राजस्व सुधारों के लिए काम किया. 1774 में अगर हम बात करें तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया और इसने महाभियोग के मुकदमे का सामना किया. इसके बाद समय आता है दोस्तों लॉर्ड विलियम वेंटिक का. लॉर्ड विलियम वेंटिक, जिसका कार्यभार जो है वो जुलाई 1828 ईस्वी में शुरू होता है. सती प्रथा, बालिका शिशुवध को समाप्त करने के लिए इसने प्रयत्न किया. ठगी का इसने अंत किया. भारतीय रियासतों के प्रति यथासंभव तटस्था की नीति बनाई. 1833 ईस्वी में भारत का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया. ठगों के विरुद्ध कार्यवाही की और इसने कैप्टन स्लीमैन की नियुक्ति की थी ठगों के विरुद्ध कार्यवाही के लिए. अंग्रेजी साम्राज्य में अगर बात करें तो 1831 में इसने मैसूर का विलय किया और 1834 में इसने कुर्ग का, कछार का जो है वो विलय किया. इसने अफीम के व्यापार को नियमित तथा अनुपत्रित करके केवल बंबई बंदरगाह का जो है निर्यात किया. निजाम नसीरुद्दौला के कहने पर हैदराबाद से अंग्रेज अधिकारी को इसने वापस बुलाया था. इसके बाद समय आता है लॉर्ड कॉर्नवालिस का. लॉर्ड कॉर्नवालिस कानून की विशिष्टता का नियम भारत में लागू किया और इसने कॉर्नवालिस संहिता प्रस्तुत की. ये दोस्तों शक्तियों के पृथककरण पर आधारित था जिसमें कर न्याय प्रशासन को पृथक किया गया था. भारत की प्रसिद्ध प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा का प्रारंभ इसने किया और इसकी मृत्यु गाजीपुर में हुई, उत्तर प्रदेश के पूर्वी उत्तर प्रदेश में गाजीपुर में आपको देखने को मिलेगा. 5 अक्टूबर 1805 को इसकी मृत्यु हुई. इसके बाद समय आता है दोस्तों लॉर्ड डलहौजी का. इसका कार्यकाल 1848 से 1856 ईस्वी तक. अवध का विलय इसी के समय हुआ था और इसने वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाया. भारत में रेल निर्माण की दिशा में जो प्रथम प्रयास किया गया था वो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था. भारत में प्रथम रेलवे लाइन 1853 में जो कि बंबई से ठाणे चली थी वो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में थी. एक अलग सार्वजनिक निर्माण विभाग की इसने स्थापना की थी. दोस्तों इसने व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत 1848 में सतारा को, जैतपुर और संभलपुर को 1849 में, बघाट को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1853 में, नागपुर को 1854 में, इसके अलावा
करौली को 1855 का व्यवगत प्रस्ताव के तहत कोर्ट ऑफ डायरेक्ट द्वारा इसे अस्वीकृत किया गया था। भारत में विद्युत तार का प्रारंभकर्ता अगर हम बात करें तो इसी को माना जाता है। 1852 ईस्वी में ओ सैगनेसी जो थे वो विद्युत विभाग के अध्यक्ष थे। 1857 के विद्रोही का मृत्युपुर कथन जो था, इस तार ने हमारा गला घोट दिया। इसके बाद हम देखें तो अवध का विलय हुआ। 1854 ईस्वी में स्लीमैन के स्थान पर जेम्स आउट्रम अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट नियुक्त किया गया। आउट्रम इसी के रिपोर्ट को अवध के अधिग्रहण का आधार बनाया गया और 13 फरवरी 1856 को अवध का विलय कर दिया गया। इसके बाद समय आता है दोस्तों लॉर्ड कैनिंग का। ब्रिटिश भारत का प्रथम व्यवसाय था ये, और 1856 ईस्वी में इसने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया था। 1 नवंबर 1858 महारानी की उद्घोषणा होती है। इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इसको उद्घोषित किया जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति होती है और भारत के शासन को सीधे ब्रिटिश साहित्याज के अंतर्गत लाने की घोषणा की जाती है। इसके अलावा दो और भी नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक आपके लिए लॉर्ड एलन बरो, जिसका कार्यकाल 1842 से 1844 था, जिसने दास प्रथा का उन्मूलन किया था 1843 में। सिंध का पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में जो उन्मूलन आपका विलय हुआ था वो लॉर्ड एलन बरो के समय में ही हुआ था। एक नाम और भी आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है और वो है लॉर्ड मेयो, 1869 to 72, जो कि प्रथम जनगणना 1872 में इसके समय हुई थी। अंडमान निकोबार में इसकी हत्या कर दी गई थी और प्रथम व्यवसाय कार्यकाल के दौरान इसकी हत्या की गई थी, जो कि शेर अली अफरीदी के द्वारा इसकी हत्या की गई थी। इसके अलावा परीक्षा के लिए और भी इंपॉर्टेंट अगर हम फैक्ट पे बात करें तो आधुनिक भारत में स्थानीय शासन का जनक जो है वो लॉर्ड रिपन को माना जाता है। 1861 ईस्वी में प्रथम पुरातात्विक सर्वेक्षण नियुक्त हुए थे अलेक्जेंडर कनिंगम। कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी लॉर्ड हार्डिंग के समय में। 1871 ईस्वी में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग बनाया गया था मियो के समय में। तृतीय दिल्ली दरबार का परिणाम था बंगाल का विभाजन रद्द होना। अर्गिल के सुझाव पर एक स्थापित विभाग जो था वो था पुरातत्व विभाग। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों तो कुछ गतिविधियां हुई थी जो कि गवर्नर जनरल और वायसराय के समय, जैसे कि डलहौजी के समय चूक का सिद्धांत या हड़प नीति, लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल का विभाजन, क्लाइव के समय बंगाल में दोहरा शासन और बेंटिक के समय सामाजिक सुधार। आइए आगे बढ़ते हैं और आगे के टॉपिक पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों आगे ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था, जिसमें हम स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी और इजारेदारी पर चर्चा करेंगे। भू राजस्व व्यवस्था, जिसमें हम सबसे पहले स्थायी बंदोबस्त प्रणाली पर चर्चा करेंगे। स्थायी बंदोबस्त प्रणाली का जो प्रारंभकर्ता था वो था लॉर्ड कार्नवालिस 1793 ईस्वी में। इसका अन्य नाम था जागीरदारी, मालगुजारी, विश्वेदारी और इस्तमरारी। अगर हम बात करें तो स्थायी बंदोबस्त प्रणाली जो है उसकी शुरुआत जो है वो हुई थी आपके बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक के क्षेत्र में लागू था और ब्रिटिश भारत के लगभग 19% भू क्षेत्र पर इसको लागू किया गया था। इसके अंतर्गत ये प्रावधान किया गया था कि जमींदारों को एक नया वर्ग भू स्वामी घोषित किया जाए और भूमि के लगान का 10/11 भाग कंपनी को तथा 1/11 भाग जमींदारों के पास दी जाए। इसके बाद जो दूसरा आता है वो है आपका रैयतवाड़ी व्यवस्था, जिसका जन्मदाता जो था वो था थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसको तमिलनाडु के 12 महल जिले में लागू किया गया था। मद्रास, बंबई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, आसाम तथा कुर्ग में भी लागू था। ब्रिटिश भारत के 51% क्षेत्र पर इसको लागू किया गया था। रैयत में प्रावधान किया गया था कि भूमि के मालिकाना और कब्जादारी अधिकार जो है वो प्रदत्त है ना। कृषक भूमि स्वामित्व की स्थापना की गई थी और लगान दर को जो है वो उच्च कर दिया गया था। इसके बाद आता है आपका महालवाड़ी पद्धति। महालवाड़ी यानी कि प्रत्येक गांव अथवा महाल, जिसको कि जागीर का एक भाग है, के साथ स्थापित किया गया था और ग्राम समाज ही सम्मिलित भूमि तथा अन्य भूमि का स्वामी होता था। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत तथा पंजाब में इसको लागू किया गया था। ब्रिटिश भारत के 30% भू क्षेत्र पर ये लागू था। तो कैसा लगा दोस्तों ये सेशन, एंजॉय किया कि नहीं जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि यहां आने वाली हर क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलेगा। उम्मीद करता हूं
किसको आप लोगों ने पसंद किया होगा। अपना फीडबैक अवश्य कमेंट सेशन में दें, जिससे कि मुझे आगे की क्लासेस के लिए थोड़ा सा जानकारी मिल जाए कि इसमें और भी क्या सुधार की गुंजाइश है। तो फिर विदा लेते हैं, मिलते हैं फिर कल एक नए टॉपिक के साथ जो कि आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।